मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संसार की भाषाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत आकृति मूलक भाषा और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। हमने भाषा को समझा है, भाषा प्रकृति और प्रत्यय का यौगिक प्रतिफलन है, भाषा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का यौगिक प्रतिफलन। संबंध तत्व को ही रचना तत्व भी कहते हैं और इसी रचना से भाषा की आकृति निर्मित होती है, भाषा का रूप निर्मित होता है। आकृति और रूप पर्यायवाची है, पद भी समानार्थी शब्द हैं और आप जानते हैं कि शब्द में विभक्ति के योग से पद व्युत्पन्न होता है। भाषा के अंगों पर हमने विचार किया है। भाषा के जो अंग हैं, ध्वनि, शब्द, रूप या पद, वाक्य और अर्थ, अर्थ जो है वह भाषा का प्रयोजनीय पक्ष है। भाषा का प्रयोजन ही है अर्थ का संप्रेषण, चाहे वह अर्थ किसी भी प्रकार का क्यों न हो। अर्थ केवल सूचना मात्र हो सकता है या अर्थ भावपरक हो सकता है, अर्थ ज्ञानपरक हो सकता है, अर्थ बोधपरक हो सकता है, अर्थ आदर्श हो सकता है, अर्थ उपदेश हो सकता है, अर्थ में प्रेम हो सकता है, अर्थ में घृणा हो सकती है। तो अर्थ का यहाँ बहुत ही व्यापक संदर्भ लिया गया और भाषा में अर्थ जो है वह उसका प्रयोजन पक्ष है। भाषा अर्थ के प्रकाशन के लिए ही प्रयुक्त होती है। भाषा के शेष अंग जो है, ध्वनि, शब्द है या रूप है या पद है या वाक्य, ये सभी अर्थ की सिद्धि के लिए ही होते हैं। जैसा कि हमने जाना है, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भाव अस्थाई भाव को गंतव्य तक पहुंचाते हैं और अस्थाई भाव की निष्पत्ति में सहायक होते हैं। उसी प्रकार से ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये सभी जो हैं अर्थ की सहायता के लिए ही हुआ करते हैं। प्रश्न यह है कि भाषा में प्रधानता किसकी होती? तो भाषा के शरीर पक्ष की दृष्टि से देखें तो वाक्य ही भाषा में प्रधान हुआ करता है। वाक्य के विश्लेषण से
पर रूप बनते, पद अथवा रूप के विश्लेषण से शब्द और शब्द के विश्लेषण से ध्वनि। यह जो है सही क्रम है और इस क्रम को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता। यह नहीं कि ध्वनियों के संश्लेषण से शब्द, शब्दों के संश्लेषण से पद और पदों के संश्लेषण से वाक्य निर्मित होते हैं। यह नहीं है, सामान्यतः यह नहीं। विटने ने भाषण का प्रारंभ वाक्य से करने को अनर्गल और निराधार बताया, जबकि आधुनिक शोधों से यह प्रमाणित तो हो चुका है कि भाषा के आदिकाल से ही मनुष्य अपने संभाषण में वाक्यों, चाहे वह वाक्य शब्दात्मक ही क्यों नहीं हो और एक ही शब्द का वाक्य क्यों नहीं हो, वाक्यों का ही प्रयोग करता आया है। शिशुओं के भाषा सीखने अथवा बोलने की प्रक्रिया को समझने से भी यह तथ्य सामने आता है कि मनुष्य वार्ताक्रम में वाक्य ही बोलता है, वाक्य ही समझता है और वाक्य में ही सोचता विचारता है। सामान्य आदमी संभाषण समझता है, वाक्य नहीं समझता, पद नहीं समझता, शब्द नहीं समझता, ध्वनि नहीं समझता। ये तो व्याकरणाचार्य समझते हैं, भाषा विज्ञानी समझते हैं और भाषाविद समझते हैं, भाषाओं के जानकार समझते हैं। आप सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए तो वह भाषा समझता है, वह भाषा के स्तर पर वाक्यों का प्रयोग करता है और हम यह भी जानते हैं कि वक्ता जो है स्वर और लहजे के लिए अलग अलग शब्दों पर ना जा करके पूरे वाक्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता। और यह भी हम समझते हैं कि वाक्य हम जो कहना चाहते, जो अर्थ संप्रेषित करना चाहते तो वाक्य तदनुरूप मन मस्तिष्क में निर्मित होते हैं और निःसरित होते हैं और वाक्य के अनुरूप शब्द आदि का संयोजन होता। यह प्रक्रिया मानसिक है और चलती रहती है और हम बोलते रहते हैं। यह ध्यान में रखना है कि छोटा बालक जब मम्मी कहता है, माँ कहता है, तो मम्मी अथवा माँ का अर्थ प्रयोजन वश हो, मम्मी यहां आओ, मम्मी मुझे यह चाहिए, ये दो अर्थ सिर्फ मम्मी कहने से,
तो मम्मी या माँ और उसके बाद यह अंतर्बोध का विषय हो जाता है। और यह देखिए कि शिशु की मां भी समझ जाए, शिशु जब अम कहता है तो मां समझ जाती कि पानी चाहिए, और अम कहता है शिशु तो पानी लाओ। यह वाक्य पानी चाहिए पानी दो पीऊंगा, और संदर्भ के अनुसार पानी का अर्थ भी होगा। जब बड़े लोग बातचीत करते तो कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है दिल्ली। अब दिल्ली के पहले माए है और दिल्ली के बाद जा रहा हूं, तो दिल्ली माए दिल्ली जा रहा, तुम कल कहाँ जा रहे हो, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। आप दिल्ली को अधोरेखांकित करके समझ सकते हैं कि उत्तर जो है उसमें एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है दिल्ली, लेकिन वह दिल्ली जो है पूरा का पूरा वाक्य ध्वनित करती है, पूरा का पूरा वह वाक्य। आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो, तो आजकल मैं काशीनाथ सिंह को पढ़ रहा हूं, पूरा वाक्य कह दिया मैंने। उत्तर देने वाला यही कहेगा काशीनाथ सिंह को, आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो काशीनाथ सिंह को, तो पूरा का पूरा वाक्य होगा मैं काशीनाथ सिंह को पढ़ रहा हूं। तो वाक्य में भाषा में वाक्य प्रधान होता है, और वाक्य किस लिए होता है, अर्थ के संप्रेषण के लिए होता है। भाषा का प्रयोजन ही है अर्थ का संप्रेषण करना, वक्ता का ही आशय रहता है अर्थ का संप्रेषण करना, और श्रोता यदि उसके आशय को समझ जाता है तो वक्ता का भी उद्देश्य पूरा हो जाता है, और इसके साथ साथ भाषा का भी तात्कालिक उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसीलिए भाषा कहना भर नहीं है, भाषा बात करना, ए लैंग्वेज is not telling something but talking someone। भाषा संभाषण है, अंतरालाप है, इंटरेक्शन है। हम जानते हैं स्वगत कथन के विषय में नाटक में, और मनोविज्ञान से हम यह भी जानते हैं कि व्यक्ति अकेले में भी मानसिक वार्तालाप करता है, चाहे वह चिंतन के ही स्तर पर हो, चाहे वह किसी समस्या के कारण हो, और अन्य कारण भी हो सकते। उपन्यास में कहानी में पढ़ते समय जिस प्रकार पाठक जो है अपने मानस पटल को ही रंगमंच के रूप में प्रस्तुत करता है और उसका उपयोग
मानस पटल का रंगमंच की तरह करता है। पढ़े हुए सारे के सारे दृश्य मानस पटल पर चलते रहते हैं। उसी तरह से व्यक्ति जब एक आलाप करता है, व्यक्ति जब संलाप करता है, प्रलाप करता है अकेले में, स्वागत कथन करता है, तो वह एक मानसिक व्यक्ति के साथ संभाषण करता है, चाहे वह मानसिक व्यक्ति वह स्वयं हो या उसकी कल्पना का कोई व्यक्ति। यह है भाषा। अब हम देखेंगे कि वाक्य पद या रूप फिर शब्द का निर्माण निष्पत्ति किस प्रकार होती है। आइए ध्वनि ध्वनि में स्वर और व्यंजन दोनों को समझने की आवश्यकता। ध्वनि मतलब स्वर अथवा व्यंजन अथवा दोनों, और ध्वनि का संयोजन कम कमर आप देखिए मर या लमर या फिर कलम या संयोजन। अब जब तक मत का कोई अर्थ न निकल जाए और लमक का कोई अर्थ नहीं निकल जाए, रूढ़ी से जन परंपरा से, जब तक मत का कोई अर्थ नहीं निकलता, लमक का कोई अर्थ नहीं निकलता, यह शब्द की कोटि में नहीं आएगा। हम जानते हैं कि शब्द भाषा की पहली सबसे छोटी सार्थक इकाई है और यह प्रयोग की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं, इसीलिए मक और लमक ये दोनों शब्द नहीं हैं। काम शब्द कमल शब्द कलम शब्द, क्योंकि रूढ़ी से परंपरा से जन परंपरा से इनके अर्थ सुनिश्चित हैं।
हम कम सुनते ही, कमल सुनते ही, कलम सुनते ही अर्थ समझ जाते। अर्थ समझने में कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसीलिए ध्वनियों के संयोजन असंभव है, कहीं संधि भी करनी पड़े, यह भी ध्यान रखना है कि संधि जब भी होती है अक्षरों या वर्णों के मध्य होती है, बीच होती है, तो ध्वनि के संयोजन से शब्द और बताया कि शब्द और विभक्ति के संयोजन से पद राम ने रावण को मारा, मारना क्रिया में आप्रत्यय लग करके मारा, आ जो है संबंध तत्व है, ने संबंध तत्व है, को संबंध तत्व है, क्योंकि संबंध तत्व में विभक्तियां भी आती हैं, उपसर्ग भी आते हैं, प्रत्यय भी आते हैं और अर्थ तत्व। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पद बनते हैं। पद दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ रखने की जरूरत है। पद जिसमें सुप प्रत्यय हो या तीन प्रत्यय हो वे ही पद हो। सुख प्रत्यय जिसमें हो या तीन प्रत्यय जिसमें हो वे ही पद कहे जाते। इससे संज्ञा पद बनता है, बताया बताया, और इससे क्रिया पद बनता है। संज्ञा पद और क्रिया ये पद के दो मुख्य भेद। और आइए, अगर तीन विभक्ति नहीं लगी है, तीतल अंति शीतल था और लकार के अनुसार भी जब तक तीन विभक्ति नहीं लगेगी तब तक उसको हम धातु ही कहते। धातु ये केमिस्ट्री का मीटर नहीं, या धातु का व्यंजनात्मक अर्थ नहीं। भगत सिंह और ही धातु के बने हुए थे, तो धातु यहां व्यंजनात्मक अर्थ है धातु, इसको समझने की आवश्यकता है। और जब तक सुख प्रत्यय नहीं लगता तब तक वह संज्ञा पद नहीं होता। हम देखते हैं कि आज एक दूसरी दृष्टि से समझने का प्रयास करें।
धातु किसे कहते हैं? तो आप वाक्य में लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और शब्द किसे कहते हैं? पद के मूल रूप को शब्द कहते हैं। अब देखिए, लड़के लड़कियां या लड़की भी तो लड़के लड़कियां या लड़की का मूल रूप लड़का ही होगा। लड़का ये पद है, क्योंकि लड़का शब्द है, जब तक लड़के ने रोटी खाई तो ने के प्रभाव से, विभक्ति के प्रभाव से या लड़के पद बना। लड़कियां बहुवचन में ये मूल रूप को लड़का है, ए प्रत्यय लगा करके बहुवचन बना लिया, लड़के हो गया। लड़कियां हैं, लड़का में यहां प्रत्यय लगा करके लड़कियां बना लिया। लड़की है, लड़की लड़का में दीर्घई प्रत्यय लगा करके लड़की बना लिया। तो ये सब मूल रूप नहीं बताया। पद के मूल रूप को शब्द कहा जाए और मूल रूप है। उसी तरह से देखिए क्रिया के जो मूल रूप, जाऊंगा, जाएंगे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा सा ये देखिए, जाते है ना, जाते हैं, जाते थे। तो यह सब देखते हैं हम, तो ये इसका जो निकलेगा मूल रूप जा, और ना जो है क्रिया की पहचान है हिंदी जाना, खाना पीना पढ़ना लिखना सोना उठना जागना बैठना खेलना कूदना ना, तो ना यह बताता है कि उसके पहले जो है जो भाव है, संकेत है, वह क्रिया का भाव है, क्रिया का संकेत। अब नाना ताना बाना इनको भी क्रिया नहीं समझ लेने की आवश्यकता है। तो ये क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जाना धातु है, परंतु जा
जाऊंगा जाएंगे जाते गए, तो ये सब जो है क्रिया अंग्रेजी में जो जैसे लीव्स है रेड है रीडिंग है। देखिए तो सबका मूल जो है निकलेगा टू रीड, तो ये क्रियाएं हैं परंतु टू रीड यह धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कर। उसी तरह से कह सकते हैं कि पद के मूल रूप को शब्द करते हैं। और ये बताया संस्कृत में जैसे पठ है लिख है हाँ आदि शे है, तो ये सब धातुएं और लिखती और लिखत पठिष्यामी ये सब क्रियाएं, और इनके मूल में जाएंगे तो ये धातुएं निकलेंगी। ये इस तरह से हमने समझा। तुर्की में तो क्रिया के प्रत्यय जो है मक है या मेक है, तो जिसके अंत में मक या मेक लिखा होगा जिस शब्द के अंत में मक या मेक, तो समझिए कि वह जो है क्रिया। जैसे सेव सेव मेक ई के कारण यहां ई लगी है, यह ध्यान में रखना है। तुर्की में सेव भी तो सेव जो है वह क्रिया है, ये हमने समझा है। पद को सब कि शब्द में जब विभक्ति लगती तो वह पद बनता है। पद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा पद और क्रिया पद। और धातु में क्रिया में जो विभक्ति लगती है उसको कृदंत सॉरी क्रिया में जो प्रत्यय लगता है उसको कृदंत प्रत्यय कहा। और क्रिया को छोड़ करके जिन शब्दों में जो शब्द क्रियाएं नहीं हैं उन शब्दों में जो प्रत्यय लगता उसको तद्धित प्रत्यय का कृत जो अंत संधि हुई है व्यंजन संधि है, तो कृदंत क्रिया के अंत में जो लगे प्रत्यय वह कृदंत है। और तत् अजोरहित तत् उसके हित भलाई के लिए जो लगे उसके लिए जो लगे, यहां उसके लिए है जो क्रिया नहीं है उसके लिए जो लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कर। प्रत्यय का अर्थ विचार होता है आइडिया होता है, यहां प्रत्यय हिंदी के अनुसार
वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, बढ़ा देते हैं अर्थ को, घटा देते हैं अर्थ को, इस तरह से नवीनता में विशेषता और न्यूनता दोनों को समझना चाहिए। जब विशेषता होती है तो शब्द जितना व्यापक रहता है पहले, तो विशेषता युक्त हो जाने से उसकी व्यापकता सीमित तो हो जाती है। लड़का है और अच्छा विशेषण लगा दें तो विशेष अच्छा लड़का, विशेष अच्छा विशेषण, तो लड़के लड़का जो है वो बहुत से लड़के होंगे, लेकिन अच्छे लड़के जो होंगे वो विशेषण लग जाने से, विशेष हो जाने से उसकी व्यापकता सीमित हो जाए। ये हमने देखा है। और एक महत्वपूर्ण बात है और वस्तुनिष्ठ तथ्य भी है कि सबसे पहले जो मूल शब्द है क्रिया में कृदंत प्रत्यय लगेगा और उसके बाद ही तद्धित प्रत्यय लगेगा। क्रिया में कृदंत के पहले तद्धित प्रत्यय कभी नहीं लगता है, कभी नहीं लग सकता है। तो यह महत्वपूर्ण बात, यह भी देखिए दो महत्वपूर्ण बातों की और आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा कि जाना क्रिया है, हम जानते हैं, पढ़ना क्रिया है, इस क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, किया जा सकता है। आपका वहां जाना अच्छा नहीं होगा, आपका और जो सकते हैं इस समय वहां जाना अच्छा नहीं होगा। यहां जाना क्रिया है, लेकिन इस जाना क्रिया का ही संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। उसका रात दिन पढ़ना काम नहीं आया, वह परीक्षा में फेल हो गए। उसका रात दिन पढ़ना, और पढ़ना क्रिया भी, और यहां देखिए हम संज्ञा की तरह इसका उपयोग कर रहे हैं। तुम्हारा पढ़ना तो बेकार हो गया, अगर तुम सभ्य नहीं हुए तो तुम्हारा पढ़ना बेकार, अगर तुम नौकरी नहीं पा सके तो तुम्हारा पढ़ना लिखना सब चौपट। तो हम देख रहे हैं ये चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन साधारण बातें हैं, समझने की बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। एक और बात करना चाहूंगा, संज्ञा, संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है ये तो हम जानते हैं, और विशेषण से संज्ञा बनाई जाती है यह भी हम जानते हैं, लेकिन संज्ञा ही विशेषण का काम करती है। और ये विशेषण भी संज्ञा का काम करता है। अब देखिए मैं बता रहा हूं,
बिल्कुल, जैसे लड़का है, हम जानते हैं संज्ञा खिलाड़ी है, हम यह भी जानते हैं कि खिलाड़ी भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है। अब देखिए कहते हैं लड़का खिलाड़ी, अर्थ स्पष्ट हुआ लड़का खिलाड़ी, या कहते हैं कि बालक खिलाड़ी, बालिका खिलाड़ी, तो यहाँ तो लड़का बालक बालिका को हम संज्ञा के रूप में देखते आ रहे, लेकिन यहाँ विशेषण के रूप में देख रहे। अब इसको तो संज्ञा का विशेषण की तरह प्रयोग कर रहे हैं, बहुत साधारण बात है, जानने की आवश्यकता है। और अब देखिए कि विशेषण का संज्ञा की तरह कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसी तरह से यही लड़का खिलाड़ी, तो लड़का में जो संज्ञा है इसका विशेषण की तरह, और देखिए खिलाड़ी लड़का, ये भी वही लड़का खिलाड़ी, इसका भी अर्थ हम समझते हैं, हम सब समझते हैं। और खिलाड़ी खिलाड़ी लड़का, तो इसका भी अर्थ हम समझते हैं। तो यह देखिए कि विशेषण को संज्ञा के रूप में यहां अच्छों को ही बुलाओ, अच्छा विशेषण है, यहां अच्छों को ही बुलाओ, तो विशेषण का संज्ञा के तरह प्रयोग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमने ध्वनि से ध्वनियों के संयोजन से शब्द किस प्रकार निष्पन्न होते हैं यह देखा है, ध्वनि का अर्थ भी बताया, स्वर और व्यंजन, और अक्षर का भी अर्थ स्वर भी हुआ करता है, यह बिल्कुल ही समझ रखने की जरूरत है। अगर अक्षर को स्वर नहीं समझेंगे, अक्षर स्वर भी और अक्षर व्यंजन भी, तो हमारा जो आज की चर्चा का विषय है आकृति मूलक भाषा, तो वहाँ कठिनाई नहीं हो आपको, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अक्षर अर्थात स्वर, इसीलिए मैंने बताया अक्षर स्वर व्यंजन दोनों। और अब देखिए पद समझ लिया हमने, शब्द में विभक्ति लगा करके और पद बनाया जाता है, लेकिन अब वाक्य कैसे बने, वाक्य के लिए कम से कम क्रिया का होना आवश्यक है। कम से कम वाक्य के लिए एक क्रिया चाहिए, पढ़ो वाक्य हो, बैठो
पधारिए, ये क्रियात्मक वाक्य है। तो वाक्य के लिए कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक। आओ, जाओ, पधारिए, यह जो है मनुष्य को कह रहे हैं आने के लिए, अपने प्रिय पालतू को कह रहे हैं आने के लिए, पशु को कह रहे हैं, पक्षी को कह रहे हैं जाओ खाओ, तो यह है। लेकिन कह रहे हैं तो वाक्य के लिए कम से कम एक क्रिया की आवश्यकता है। और आगे जो है कई कई भाषा विज्ञान की पुस्तकों में मिलता है कि वाक्य जो बनता है वह जो है शब्द में विभक्ति लगाने से पद बनता है, और शब्द कैसे बनता है, तो शब्द कैसे बनता है तो उपसर्ग और प्लस ये अर्थ तत्व प्लस प्रत्यय, तो शब्द बन गया और फिर शब्द में विभक्ति लग गई तो वाक्य बन गया। उन्हें शब्द में विभक्ति लगने से पद बनता है, और पद के साथ अन्य संबंध तत्व भी आते हैं। पद का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और पद प्लस संबंध तत्व। अब जो है तब वाक्य बने, पद में संबंध तत्व जोड़ेंगे तब वाक्य बनेगा। जैसे यहां आओ, वहां जाओ, यह खाइए, यह लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि पद है, क्रियापद है, और उसमें संबंध तत्व क्रिया विशेषण भी है। जो अविकारी शब्द पद विकारी शब्द, सव्यय शब्द और संबंध तत्व अविकारी शब्द या अव्यय, अब जो है इस तरह से वाक्य बनता है। तो संबंध तत्व को रचना तत्व भी कहते हैं, और यह व्याकरणिक तत्व, व्याकरणिक रचना, और ये अर्थ तत्व। प्रत्येक का दूसरा अर्थ बताया गया, वे शब्दांश जो
शब्द के अंत में लगकर उसमें विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय दो। लेकिन अब प्रत्यय का अर्थ विस्तार हो गया है, प्रत्यय में उपसर्ग को भी समाहित कर लिया गया और इसीलिए इसको समझ लेने से हम मूल बातों को समझ रहे हैं, मौलिक चीजों को, तथ्यों को समझ रहे हैं। इनको समझ लेने के बाद आकृति मूलक वर्गीकरण को समझने में बड़ी सहूलियत होगी, बड़ी सुविधा होगी। प्रत्यय मतलब उपसर्ग भी, अप्रत्यय भी और मध्य सर्ग भी। प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स, तो यह है प्रत्यय का अर्थ विस्तार जो हो गया। इसमें उपसर्ग को भी शामिल करना पड़ेगा, प्रत्यय को भी शामिल करना पड़ेगा और मध्य सर्ग को भी शामिल करना पड़ेगा, इनफिक्स को भी शामिल करना पड़ेगा। तो यह है। और रचनांतर आकृति मूलक भाषाओं में रचना तत्व पर विचार किया जाता है, अर्थ तत्व पर विचार नहीं किया जाता। और भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण रचना तत्व के साथ साथ अर्थ तत्व पर भी विचार किया जाता है, बिल्कुल ही स्पष्ट। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति व्याकरणिक रचना है, रचना तत्व है। आकृति रूप को भी कहते हैं, आकृति पद को भी कहते हैं, आकृति वाक्यों से भी बनती है। भाषा का आकार जो है वह वाक्य से भी बनता है और ध्वनि जो है, ध्वनियां जो है वो सबसे मुख्य जो पहले आने के कारण ध्वनियां जो है, ध्वनि ईंट है। सबसे आकार की दृष्टि से ध्वनि जो है वह सबसे पहला तत्व, आकार की दृष्टि ध्वनि पहला तत्व, और उसके बाद शब्द है। ध्वनियों के संयोजन से शब्द बनता है, शब्द में विभक्ति लगने से रूप या पद बनता, और फिर वाक्य की निष्पत्ति जो होती है, वाक्य जो वो बनते हैं पद और संबंध तत्व, अर्थ तत्व और संबंध तत्व के योग से ये वाक्य बनते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण, रचनात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, व्याकरणिक वर्गीकरण भी कहते हैं, रूपात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, रूपाश्रित वर्गीकरण भी कहते हैं, पदात्मक वर्गीकरण कहते हैं, पद आश्रित वर्गीकरण कहते हैं, पद मूलक, रूप मूलक, रचना मूलक, ध्वनि मूलक वर्गीकरण भी कहते हैं, वाक्यात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं, वाक्याश्रित वर्गीकरण कहते हैं, वाक्य मूलक वर्गीकरण कहते हैं, और इसी तरह इनके कई नाम। अंग्रेजी में
मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, टिपिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, ये सिंटैक्स, उसी से सिंटैक्टिकल मॉर्फ से मॉर्फ मैंने रूप या पद, उससे मॉर्फोलॉजिकल टाइप भी रूप या पद है, टिपिकल सिंटैक्स वाक्य, सिंटैक्टिकल वाक्यात्मक वर्गीकरण। तो ये सब आकृति मूलक वर्गीकरण के विभिन्न नाम हैं और आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। सब भाषाओं की आकृति मूलक वर्गीकरण में रचना तत्व पर बल दिया जाता है, अर्थ तत्व का विश्लेषण इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। रचना तत्व पर शब्दों के, पदों के, रूपों के, वाक्यों के बाह्य आकार पर, उनकी विशेषता पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है। और वाक्य जो है एक नई दृष्टि से वाक्य पर विचार करेंगे कि वाक्य जो है मुख्य रूप से ये चार प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि, संरचना की दृष्टि से वाक्य मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। व्यास प्रधान, व्यास जो है समास का विकृतार्थक शब्द है और व्यास विग्रह को भी कहते हैं। तो एक तो वाक्य हो गया व्यास प्रधान वाक्य, और वाक्य यदि वाक्य भाषा तो एक जो है व्यास प्रधान भाषा, और व्यास बताया अभी तुरंत समास का विकृतार्थक है। तो ये समास प्रधान भाषा, दूसरा देखिए बताया प्रत्यय, तो प्रत्यय प्रधान भाषा, और फिर शब्द में विभक्ति लगा करके पद बनाते हैं तो विभक्ति प्रधान भाषा, ये व्यास प्रधान भाषा। इसको अयोगात्मक भी कहते हैं, इसी को निरवयव भी कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक लैंग्वेजेस, निरवयव भाषाएं, अयोगात्मक भाषाएं।
भाषाओं की तुलना की जाती है, तो इसीलिए एक ही भाषा नहीं होगी। इस एक आकृति मूलक भाषाओं के वर्गीकरण में तो इसमें भी कई भाषाएं होंगी, अयोगात्मक भाषाएं या निरव्य भाषाएं इन ऑर्गेनिक लैंग्वेजेस, तो ये तीन नाम हैं। और भी नामों की चर्चा जब इनका अलग अलग विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे। और फिर इन तीनों को सम्मिलित रूप में योगात्मक भाषा है, अयोगात्मक निरव्य इन ऑर्गेनिक में क्या होता है कि संबंध तत्व और अर्थ तत्व का योग नहीं होता, अर्थ तत्व में संबंध तत्व का योग नहीं होता, अयोगात्मक योग नहीं पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग नहीं अयोगात्मक, और योगात्मक में अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग होता इसीलिए योगात्मक। और योगात्मक में तीन प्रकार की भाषाएं मैंने पहले भी कहा था, प्रत्यय प्रधान भाषाएं, विभक्ति प्रधान भाषाएं और समास प्रधान भाषा आप कर सकते हैं इस तरह से। ये हमने समझाया है आकृति मूलक जो भाषाओं का वर्गीकरण है, बस मुख्य रूप से चार ही भाषाएं हुआ करती हैं, फिर इनके अलग अलग भेद होते हैं, इसका कोई भी भेद नहीं होता, इसके कई कई उदाहरण होते हैं। और अयोगात्मक भाषाओं की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इतनी चीज़ों को आप तब तक समझिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है वह नोइंग से ज़्यादा बड़ा शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद।